Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope that all of you are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. And also expect that you would have confined yourselves to your homes, because that's the only way to get rid from this pandemic. Dear students, no doubt, being human beings, being social animals, it's very much difficult for we people to remain away from our friends and colleagues. But we need to do it, because that's the demand of the situation. And alhamdulillah, being human beings, being Muslims, I must say, we should have faith on our Allah, on Almighty Allah, that whatever we are facing nowadays, it will be eradicated very soon by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. And alhamdulillah, being human beings, we have the power, we have the capacity, we have the capability to adjust ourselves to the changing situation. And inshallah, we can cope with all this. We need to cope, we need to adjust ourselves, we need to confine ourselves to our homes, we need to follow the preventive measures to get rid from this. And moreover, this is my personal experience, that whatever we are facing right now, whatever we are facing from the last 20 days, this is all what we deserve. These are the return of our deeds. Humne isi ke layak kiya bhi hai. हमने बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाया है. ये अपने आप को देखो ना, क्या आप में से क्या would anybody among us would have expected such kind of pandemic, या would have expected that we will be locked down in our homes. हमने कभी भी ऐसा expect नहीं किया होगा. लेकिन इसी को कहते हैं man proposes, God disposes. हमने पता नहीं क्या क्या प्लान बनाए होंगे, हमने पता नहीं क्या क्या सोचा होगा, लेकिन सारे प्लानों पर सारे हम में से हमसे भी ज़्यादा सुप्रीम जस्टिस करने वाला ऊपर बैठा है. हमारे सारे इरादों पर उसने पानी फेर दिया और वही किया जो बेहतर है हमारे लिए. इसमें भी हमारे लिए बेहतर है. हमें इससे सबक लेना चाहिए. एक मुसलमान होने के नाते हमें इससे सबक लेना चाहिए, तौबा करना चाहिए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, ताकि हमें इस वबा से जल्दी छुटकारा मिले. So, coming on the topic, my dear students, you know कि हमने कल जो bactrian camel या मूसा अली camel जो था, ये हमने ख़त्म कर दिया. तो इसमें जो हमने खास खास पॉइंट्स हमने ये पढ़े कि ये जो कन्वर्सेशन था, इट वॉज बिटवीन टू गर्ल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल समा एंड डोलमा, फिर इसमें मूसा अली भी आ जाता है. तो जो कन्वर्सेशन है, और ये लड़कियाँ जो है ये एक्सपीरियंस ये करती हैं कि एक हारमोनी जो थी, हारमोनी बिटवीन मैन एंड एनिमल. नो डाउट इट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू फाइंड सच ए हारमोनी बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स. बट व्हेन दे सी द कैमल कॉफ क्लिंगिंग ऑन टू द मूसा अली, दे वर सरप्राइज्ड टू सी सच ए रिलेशनशिप. और ये जो कैमल कॉफ था, ये इसको अपनी माँ की तरह ट्रीट कर रहा था, और इनको एक ताजुब हो गया. फिर जब इसने बोला कि नहीं, मैंने इसकी माँ को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, मूसा अली इनसे कह रहा है, बट आई कुडंट, एंड आई थिंक दिस इज माई मॉरल ड्यूटी, मैं इसे अपना एक इखलाकी फ़र्ज़ समझ रहा हूँ कि इसकी माँ से इसको मिलाऊँ, इसके हर्ड से इसे मिलाऊँ. लेकिन अभी तक मैं इसे उसको नहीं ढूंढ पाया. और एक बात, उनको ये भी तजुर्बा हो गया कि bactrian camel जो है, दे आर कंसिडर्ड एज एंडेंजर्ड स्पेशीज. एंडेंजर्ड स्पेशीज यू नो कि दो स्पेशीज विच आर नियर टू एक्सटिंक्ट, जो ख़त्म होने की कदार पर हो, जो बहुत कम हो. और उसमें मूसा अली से उनको ये भी पता चला कि bactrian camels आर फ्यू थाउजेंड थ्रू आउट द वर्ल्ड. लेकिन इनकरेजिंग थिंग इसमें यह भी था कि ये जो नुब्रा वैली में जो ये bactrian camel है, मंगोलिया में भी पाए जाते हैं, चाइना में भी पाए जाते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी पाए जाते हैं. लेकिन नुब्रा वैली में जो इसकी तादाद है, वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है. और उसकी जो वजह यही है कि वहाँ पर एक हारमोनी है बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमनस. लेकिन आजकल अगर हम ये देखते हैं कि एवरीवेयर वी कैन टू नो दैट फलानी जगह क्या सकूँ, एक एनिमल ने किसी इंसान पर हमला कर दिया, एक इंसान ने किसी जानवर पर हमला कर दिया, इसकी क्या हमने कभी सोचा है why such kind of accidents happen. इसकी वजह यही है कि हमने बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन की है. वी हैव कॉज्ड अ वेरी 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 ह्यूज थ्रेट टू द एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट. इनके हैबिटेट को हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है. यही इसीलिए मजबूर होकर ये जंगलों से आते हैं और हमारे गाँव में आ जाते हैं, और या तो इंसानों को नुकसान पहुँचाते हैं या खुद उनको नुकसान उठाना पड़ता है. लेकिन इसमें भी हम ही जिम्मेदार हैं. सो वी नीड टू अवेयर आवर नेबर्स, वी नीड टू अवेयर आवर फैमिलीज के हमारे लिए अल्लाह ताला ने कि ट्रेजर हैं जो एनिमल्स हैं, ये भी एक ट्रेजर है, ये भी एक एनवायरनमेंट का हिस्सा है, ये एक बैलेंस क्रिएट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में. वी शुड नॉट क्रिएट एनी हार्म टू दीज एनिमल्स. वी शुड नॉट डिवेस्टेट देयर हैबिटेट. हमें उनके हैबिटेट को डिवेस्टेट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज दे विल कॉज हार्म टू वी पीपल. और वो करते भी हैं आजकल.
इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम देखते देखते भी हैं बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कैंपस लगाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मैसेज दी जाती हैं, और इसके 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 लिए लॉज भी अडॉप्ट किए गए हैं कि जंगलों को या जंगली जानवरों को नुकसान पहुँचाना इट्स इलीगल और उसके लिए सज़ा भी है। तो वी नीड टू कीप इट इन आवर माइंड। तो दूसरी बात आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये था हमने जो भी आज तक पढ़ा, और एक मिसकंसेप्शन है हमारा एक कैमल्स के दरमियान कैमल्स के बारे में, वो ये है कि जो हम्प्स उन पे हम्प जो उस पे लगा होता है, हम ये कहते हैं कैमल्स हैव दीज हम्प्स टू स्टोर वाटर। हम ये कहते हैं कि ये अपने अपने इस हम्प में पानी को जमा करते हैं, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो हम्प्स हैं दे कंटेन फैट्स, इस आत्मशी चरब आसन, और तकरीबन तकरीबन चाहिए यह अप्रोक्सीमेटली अबाउट 36 केजीज ऑफ फैट्स। और वो जो फैट हैं वो कब इस्तेमाल करता है, हमने ये भी जाना है, हमने ये भी देखा है कि कैमल्स जो है दे कैन लिव विदाउट वाटर, दे कैन लिव विदाउट फूड फॉर मेनी डेज। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस हम्प विच कैमल्स हैव। कैमल्स के पास जो हम्प है ये उसी फैट्स का इस्तेमाल करता है जब उसमें स्कार्सिटी ऑफ फूड लगता है, जब उसे लगता है कि आई डोंट हैव एनी वाटर, आई डोंट हैव एनी फूड अवेलेबल, एट दैट टाइम इट यूज द फैट्स ऑफ इट्स हम्प टू फुलफिल इट्स नीड्स। इसलिए आप लोगों को याद रखना चाहिए कि ये जो हम्प है इसमें वाटर नहीं होता है, इसमें फैट होता है, और वो फैट वो इस्तेमाल करता है जब उसमें स्कैर्सिटी ऑफ फूड पैदा हो जाती है। दूसरा जो आपको आपने ये भी सुना होगा कैमल्स आर कंसिडर्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। वाई? तिकेज यम पैड्स आसा एम सिंदम खोर खोर एम ससा वारिया थुड एम जिस्मस निश, और वो जो पैड्स हैं उससे वो हीट से बचते हैं, और लॉन्ग लेग्स क्यों होती हैं, ताकि यू सी डेजर्ट इज यू सी हीट शुड यू शुड वाटर एम सिंदम जिस्मस तामत कीन। आई होप दीस आर दीस वर सम ऑफ द पॉइंट्स, आई होप यू विल कंसिडर इट, यू विल रिमेंबर दीस पॉइंट्स, and you need to I must say you need to pinpoint these points in your notebooks so that you may remember it for a long time. Or dear students, aaj humne kuch questions bhi karne the aur wo maine likhe hain, but unfortunately I don't have a ink for my marker today, that's why I couldn't write these questions on the board. Isliye maine wo likh ke rakhe, inshallah uska main snapshot I mean photograph mein uska send karunga aapko later. To jo question tha uska, Why is the bacterian camel found? ये easy है। Bacterian camel कहाँ पर पाए जाते हैं? Bacterian camel Nubra Valley में पाए जाते हैं, Mongolia में पाए जाते हैं, China में पाए जाते हैं। और दूसरा, what is the most noticeable feature of the bacterian camel? How does it help the camel? इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि जो hump होता है इसका, वही एक सबसे बड़ी खूबी है जो उसको अडॉप्ट करने में, जो उसको एडजस्ट करने में, यानी कि गुजा के बगैर भी उसको कई दिनों पर ये रह सक कई दिनों तक ये रह सकता है, ये इसकी एक खूबी है। How does the bacterian camel adapt to different environment? कैसे ये अपने आप को adapt करता है? तो इसका भी आंसर मैंने लिख के रखा है। Is the camel calf happy? क्या वो जो camel का बच्चा है, क्या ये मूसा अली के साथ happy था? हाँ, yes. क्यों? क्योंकि ये अपने इस मूसा अली को अपनी माँ तस्वर करता था, और मूसा अली जो था वो भी इसको अच्छे से पालता था, that's why कि ये happy था। What are the factors responsible for the increase in the population of the factors? ऐसे क्या वजूहत हैं जिससे दुबरा वैली में कैमल्स की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है, इंक्रीजिंग है? यही एक हारमोनी है, एक रिलेशन, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनिमल, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक एक रिश्ता कायम हो चुका है, एक हारमोनी है इंसानों और जानवरों के दरमियान, इंसान और इस कैमल के दरमियान। दैट इज वाई की द नंबर ऑफ कैमल्स आर इंक्रीजिंग इन द दुबरा वैली। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इसके आंसर्स मैं आपको लिख के भेजूंगा, और उसके बाद आपको इन द ब्लैंक्स जो है ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई होप ये इसमें जो जो आप खाली जगह है वो आपको पूर करनी है, ये आप सबक में ऐसे भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर बैकग्राउंड कैमल इज फाउंड कहाँ पर पाए जाते हैं? नुब्रा में, यानी लद्दाख में पाए जाते हैं। डे जैसे नया मूसा अली विलेज, उसके गाँव का नाम क्या था? आई थिंक डिस्किट उसके गाँव का नाम था। The humps of the camel do not store water, वो जमा नहीं करते हैं, but क्या था दिल के साथ? But fats, which is used when the camel fall short of food. The bacterial camel is also called dash dash. इसको और क्या नाम दिया गया है? Ship of desert, मैंने अभी बोला, या Nubra Valley में इसका और एक नाम है, शायद उसका नाम है हप्तकाई, उसका ऐसा ही कुछ है। तो the average height of the double humped camel is dash dash and its average height कैसे मतलब double hump, जिसके दो humps होते हैं bacterial camel के, उसकी height कितनी है? Let me see it. The average height.
7 फीट है, 7 फीट इसकी है हाइट। और उसका एक और इसका फीचर ये भी है कि क्या बोल रहा था इसमें हमें कैमल इज एंड इट्स वेट, और इसका वजन क्या है 1,500 पाउंड्स है, इस डबल हंटर डबल हम्पर्ड बैक्टेरियन कैमल की। दीज वेर सम ऑफ द ब्लैंक दीज वेर सम ऑफ द ब्लैंक्स द आंसर्स ऑफ विच आई टोल्ड यू। अब उसके बाद हमारा है ग्रामर वर्क, इसमें हमने पढ़ने हैं प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स, और उसके साथ साथ प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स के साथ साथ हमने इसमें देखना है, नहीं बस एक ही पॉइंट है इसमें हमें ये पढ़ना है कि प्रोनाउन एंड काइंड्स इंशाल्लाह हम वो कल करेंगे। प्रोनाउन भी पढ़ेंगे, इसके काइंड्स भी पढ़ेंगे। इसमें हमें सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ना है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ हमें बाकी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन भी पढ़ने हैं, तब जाकर आपको अच्छे से समझ में आ सकता है ये। तो आई होप जो भी हमने पढ़ा आज, जो भी मैंने आपको बोला, यू विल रिमेंबर इट, आप लोगों को अच्छे से समझ में होगा। इफ एनी कन्फ्यूजन इज देयर इन योर माइंड्स, डू फ्री, यानी कि डू मतलब डू नॉट शाई, डू नॉट शाई टू टेल मी, फील फ्री टू कंटेक्ट मी एट एनी टाइम, फील फ्री टू टेक्स्ट मी एट एनी टाइम रिगार्डिंग योर कन्फ्यूजन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू क्लियर ऑल योर कन्फ्यूजन, बिकॉज आई एम हियर फॉर यू पीपल। आई डोंट वॉन्ट टू ओनली ओनली बी एन डिक्टेटर, ओनली बी अ डिक्टेटर हियर, मैं बोलता जाऊंगा, आप लिसनर साइलेंट स्पेक्टेटर्स रहेंगे, साइलेंट लिसनर। आई डोंट आई आई वॉन्ट यू टू रेस्पॉन्ड, आई वॉन्ट यू टू रेज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट, रिगार्डिंग योर टॉपिक। इंशाल्लाह जो भी होगा आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर इट। तो इंशाल्लाह हम कल फिर मिलेंगे इस प्रोनाउन और इसके काइंड्स के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।